हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक वीडियो लेके आए हैं मैकेनिक डीजल प्रैक्टिकल का, आईटीआई या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसके लिए, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बाहरी चूड़ियाँ काटने का अभ्यास करना। तो हमारा टॉपिक क्या है? बाहरी चूड़ियाँ काटने का अभ्यास करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है आज का? बाहरी चूड़ियाँ काटने का अभ्यास करना। दोस्तों, चूड़ियाँ वो काटते हैं, जैसे आपने देखे होंगे किसी में, जैसे नट में, आप मान लो एक नट है, उसमें अंदर ऐसे ऐसे चूड़ियाँ कटी रहती हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो उसके अंदर चूड़ियाँ कटी रहती, फिर उसके अंदर बोल्ट कसा जाता है। उसका हम आज बताएंगे आपको कि कैसे करना है। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अब हम। तो हमारा आज का टॉपिक है बाहरी चूड़ियाँ काटने का अभ्यास करना। तो टॉपिक तो आप तो समझ गए होंगे दोस्तों, बाहरी चूड़ियाँ काटने का अभ्यास करना। इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आवश्यकताएँ हैं, हमें टूल्स में क्या क्या चाहिए? हेक्सा फ्रेम और ब्लेड चाहिए। ठीक है दोस्तों, हेक्सा फ्रेम और ब्लेड, बेंच वाइज डाई एंड डाई स्टॉक इत्यादि। और हमारा जो मटेरियल चाहिए वो दोस्तों एक जॉब चाहिए जिसकी साइज़ हो 10 mm x 60 mm, मतलब कि 10 mm ऐसे मोटाई में और 60 mm उसकी लंबाई हो, गोल रोड माइल स्टील इत्यादि। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये पहले, इससे पहले प्रोसीजर देख लेते हैं हम, ये वही चीज़ दिखाया गया है। विधि, सबसे पहले हमें विधि देख लेनी है। तो हमें MS रोड की बाहरी चूड़ियाँ काटने का प्रैक्टिकल दिया गया है, ठीक है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। सर्वप्रथम हमें MS प्लेट रोड को लिया, ठीक है, हमने एक MS जॉब ली, हमने स्टील फुट रूल द्वारा 10 x 60 mm को इसको मेजरमेंट कर लिया है। हमें जॉब पर स्क्राइबर द्वारा 10 x 62 mm का टॉलरेंस रखकर मार्किंग करनी है। दोस्तों देखिए, 10 mm 62 mm, ये 62 mm इसलिए रख रहे हैं कि बाद में जब आप उसको घिसाई करेंगे फाइल से तो ये 60 हो जाएगा। इसके बाद MS रोड को बेंच वाइस में जॉ में फंसाएं। ये देखिए दोस्तों, ये बेंच वाइस है, इसकी जॉ में इसको फंसा दिया गया है। फाइल, फिर दोस्तों हमें हेक्सा फ्रेम द्वारा 10 x 62 mm का एक जीप पीस काट लेना है, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। फिर हमने जॉब पीस पर, या ऐसा भी दिख सकता है, जॉब पीस पर फाइल द्वारा फाइलिंग की गई। ये दोस्तों देखते हैं आप, ये सरफेस एकदम प्लेन होनी चाहिए, उसके लिए हमें फाइल कर ली। हमने फाइलिंग करने के बाद हमने 10 x 60 mm पीस तैयार कर लिया। फिर फाइलिंग करने के बाद MD पेपर, जो रेगमार पेपर कहते हैं आप, उससे करते हुए जॉब की फिनिशिंग कर दी बाहर बाहर। फिर हमने जॉब पीस को बेंच वाइस में सीधे 90 डिग्री पर लगाया। इसके बाद डाई व स्टॉक पीस को सीधा रखकर चूड़ियाँ काटना शुरू किया। अब दोस्तों ये देखिए आप, ये बेंच वाइस है, इसके बीच में हमने MS प्लेट को लगाया है, ठीक है दोस्तों। तो आगे की देखते हैं, हमें चूड़ियों को काटते के समय पानी का कूलेंट करते रहना। पानी का इसलिए दोस्तों, क्योंकि फिर बाद में आप हेक्सा चलाएंगे ना तो ब्लेड टूट जाएगा, इसलिए पानी डालते रहें। हमने डाई स्टॉक पर सीधा प्रेशर देकर 2 बार क्लॉकवाइज, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज पीस पर घुमाएं। ये देखें दोस्तों, ये आपको दे रखा है, तो यहाँ से आपको पकड़ना है। ये मान लो ये हैंडल है, ये वो थ्रेडिंग मशीन है, इसको आपने ऐसे घुमाना है 2 बार, 1 2, ठीक है। फिर 1 बार एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो क्या करना है आपने, 2 बार, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज, आप समझ गए होंगे दोस्तों। आपने क्या करना है, 2 बार क्लॉकवाइज, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चूड़ियाँ कटती जाएंगी, ठीक है दोस्तों। ये आप समझ गए होंगे प्रोसीजर। आप जब ITI में प्रैक्टिकल करेंगे और यहाँ से पढ़ के जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा, विश्वास करें आप, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम समझ लेते हैं इसको, सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए हमें करते समय ये प्रैक्टिकल।
जो बनाने के दौरान सुरक्षा उपकरण अर्थात गोगल्स तथा दस्ताने का इस्तेमाल करना चाहिए। गोगल्स इसलिए करना चाहिए क्योंकि कोई भी लोहे के सामान आँख में घुस सकता है आपके हाथों में, इसलिए हमें गोगल्स और दस्ताने पहन लेने चाहिए। जॉब को बेंच वाइस में ठीक प्रकार से कस लेना चाहिए दोस्तों, ढीली नहीं कसना चाहिए वरना आपको उसमें समय और सही से फिर कटिंग भी नहीं हो पाएगी। जॉब की मार्किंग के अनुसार ही हैक्सा द्वारा काटना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलिंग करते समय जॉब पर पीस पर अधिक प्रेशर नहीं देना चाहिए दोस्तों, इसलिए क्योंकि अगर आप ज़्यादा अधिक प्रेशर देंगे तो आप ज़्यादा घिस जाएगा, इसलिए आराम आराम से आप बहुत बारीकी से उसको फाइल कीजिए। जब भी थ्रेडिंग करते समय थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर कूलेंट के तौर पर पानी डालते रहना चाहिए। जब पीस के चिप्से को फूंक कर मारकर नहीं निकालना चाहिए, अगर दोस्तों आप फूंक मारकर निकालते हो तो आपकी आँख में जा सकता है, मुँह में भी जा सकता है, इसलिए वायर ब्रश का इस्तेमाल कीजिए। उचित जगह पर उचित औजारों का इस्तेमाल करना चाहिए। वर्कशॉप में कार्य करते समय ठीक प्रकार से रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। वर्कशॉप में जॉब के करते दुर्घटना हो सकती है इसके लिए, और दोस्तों ये तो पता ही होगा आपको कार्य करते समय गंदे हाथों का प्रयोग। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए।